आगे बढ़ते हैं। यूपी के बरेली में दो नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक यहां 14 और 17 साल की दो लड़कियों के साथ 5 दरिंदों ने वारदात को अंजाम दिया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश अब तेजी से शुरू कर दी है। रिपोर्ट आप देखें। यूपी में बरेली का यही वो बहेड़ी थाना इलाका है जहां सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक घटना 17 नवंबर की है जब 5 दरिंदों ने 14 साल और 17 साल की दो नाबालिग लड़कियों के साथ पहले तो गैंगरेप किया और फिर पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थाना बहेड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा आज एक शिकायत दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि उसकी पुत्री और उसकी भांजी के साथ 5 युवकों ने गलत कार्य किया है। साथ ही साथ आवेदक द्वारा यह भी बताया गया है कि यह घटना 17 तारीख की थी और आज उनमें से किसी युवक ने इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है जिसके बाद से ये जानकारी मिली और वो कंप्लेन लेकर आए हैं। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही साथ टीमें गठित कर दी गई हैं उन युवकों की गिरफ्तारी के लिए। बहेड़ी थाना इलाके के जिस गांव की ये घटना है उसी गांव का एक आरोपी भी रहने वाला है जबकि बाकी 4 आरोपी दूसरे गांव के हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के नाम वसीम, सावेज, अखलाक, आरिफ और आमिर है। फिलहाल इनमें से एक आरोपी वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। इसमें एक तथ्य और संज्ञान लेना है कि उसमें एक युवक उसी गांव का है जिस गांव की पीड़िता है और बाकी जो 4 युवक हैं वह उसके दोस्त बताए जा रहे हैं जो दूसरे गांव के हैं। साल 2017 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी नंबर 1 है। 2017 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। टीम न्यूज़ नेशन।